अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दीवास किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, इट्स फ्री। आज मैं शहनशाही मुर्ग मसल्लम बनाना सिखाऊंगी, तो शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 800 ग्राम चिकन लिया है, जिसे हम धोकर फोक की मदद से पियर्स कर लेंगे इस तरीके से। फिर उस पर एक नींबू का रस और 1 टीस्पून सॉल्ट मिलाकर लगा दे और उसे फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए रख दे। जब तक चिकन हमारा मैरिनेट हो रहा है, तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। मसाले के लिए हमें चाहिए 15 से 20 काजू, 1 टेबल स्पून चिरौंजी, 1 टेबल स्पून पोस्ता दाना, 3 इंच गरी, 3 टेबल स्पून लावा, 15 से 20 बादाम, 1/8 टीस्पून जायफल, 1/2 टीस्पून जावित्री, 4 छोटी इलायची, 2 मीडियम साइज प्याज, 10 सूखी लाल मिर्च, 2 पीस लौंग। सारे मसालों को पोस्ट ग्राइंड कर ले, यानी दरदरा पीस ले, और 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 200 ग्राम दही निकाल ले। एक कढ़ाई में 2 कप घी डालकर घी डाल दे और उसे गर्म होने दे। चिकन को फ्रीज से निकालकर पानी से धो ले, फिर उस पर केवड़ा वाटर और फूड कलर मिक्स करके लगा दे। जब घी गर्म हो जाए तो उसमें चिकन डालकर उसे शैलो फ्राई कर ले। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसे बाहर निकाल ले। अब घी में पीसे हुए सारे मसाले डाल दे और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर मिला ले। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को भून ले। जब मसाला हल्का सा भून जाए तो उसमें दही डाल दे और मिला ले। फिर उसमें स्वाद अनुसार नमक डालकर मिला ले और मसाले को घी छोड़ने तक भून ले। फिर मसाले को चिकन पर लगा दे इस तरीके से। मसाले में 1 बॉयल एग और 5 से 6 पीस बादाम, जो मैंने पहले ही पानी में भिगो कर रखा था, मिलाकर चिकन के अंदर स्टफ कर दे इस तरीके से। अब चिकन को धागे की मदद से बांध ले, ताकि वो पकते वक्त खुले ना। फिर चिकन को कढ़ाई में बाकी मसालों के साथ डालकर मीडियम फ्लेम पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पकाए, जब तक चिकन गल न जाए। शहनशाही मुर्ग मसल्लम तैयार है। इसे आज ही बनाइए और अपनी फैमिली को खिलाइए, और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर।